हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना बेसिकली मैं मतलब उधर प्रैंक करने वाला हूँ, कोई लड़की एक बैठी हुई है। बहुत दिन बाद वीडियो ला रहा हूँ यार, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब था मेरा, मतलब कुछ पर्सनल इशू की वजह से वीडियो नहीं ला पा रहा था मैं। तो एक बार उधर कैमरा करना है यार। तो लाओ, इधर लाओ। तो उनके साथ मैं प्रैंक करने वाला हूँ, पता नहीं कैसा रिएक्शन रहता है, तो आप लोग एंड तक वीडियो देखना। हाय, बैठ सकता हूँ क्या यहाँ पे? पर यहाँ पे क्यों बैठना है आपको? मतलब ऐसे ही कुछ हेल्प चाहिए आपसे। क्या हेल्प चाहिए आपको? बैठ के बात करता हूँ मैं आपसे। पर यहाँ बैठना ही क्यों है आपको? नहीं मतलब आपसे कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कहीं और जाके थोड़ी बैठ सकता हूँ, आप ही के पास बैठूंगा ना। बैठ सकता हूँ क्या अगर आप? क्या चाहिए आपको पहले ये तो बोलिए। पहले मैं बैठ तो जाऊँ, उसके बाद बात करूँ आपसे। अच्छा ठीक है, बैठिए। क्या नाम है आपका? मेरा लवली है, पर आपका नाम जानते हैं क्या? लवली, मतलब नाम बहुत प्यारा है यार आपका। क्या कर रहे हो वैसे आप यहाँ पे? बस जैसे आप आए हो यहाँ वैसे हम भी आए हैं। अच्छा, मतलब मेरे जैसे आप भी टाइम पास कर रहे हो क्या? नहीं, हम टाइम पास करने के लिए नहीं, बस घूमने के लिए आए हैं। मैं भी घूमने ही आया हूँ यहाँ पे, ऐसे बैठ के तो टाइम पास ही करते हैं लोग वैसे। अच्छा, शायद आपके। वैसे आप क्या करते हो? क्यों आपको इतना जानना ज़रूरी क्यों है? नहीं मतलब ऐसे ही नॉर्मल, मतलब मैं ना किसी फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ जो अभी तक आया नहीं है, वो तो काफ़ी देर से मैं यहाँ पे हूँ, तो थोड़ा बोर हो गया हूँ मैं, तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा और कुछ हेल्प भी चाहिए आपसे वैसे। तो हेल्प क्या चाहिए पहले ये बोलिए। नहीं मतलब ऐसे पहले अब हम लोग एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आपको पहले बताइए आपको हेल्प क्या चाहिए। जानना ज़रूरी नहीं आपको हेल्प क्या चाहिए। नहीं तो आप मतलब किसी अननोन पर्सन को ऐसे हेल्प कर दोगे क्या? हो सकता है वो फ्रॉड कर दे आपके साथ, तो जानना ज़रूरी होता है ना जी। अच्छा तो बोलिए। ऐसे आप करते क्या हुए? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में क्या करते हैं? क्यों मतलब मैं भी बताऊंगा यार आपको अपने बारे में, मतलब मैं कुछ फ्रॉड व्रॉड नहीं करूंगा आपको, मतलब आपको जान के आपका नाम या फिर आपका बायोडाटा जान के मैं कुछ थोड़ी कर दूंगा, उतना भी नहीं हूँ मैं वैसे कि मतलब कुछ फ्रॉड कर सकता हूँ सर। तो आप अपने बारे में उसे बता सकती है अगर कंफर्टेबल है तो। ठीक है, तो पढ़ाई में क्या करते हो आप? अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप क्या करते हो? मैं भी मतलब मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया वैसे। अच्छा, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। वैसे कौन सा कॉलेज से हो आप? हम वुमेंस कॉलेज से हैं। अच्छा, वुमेंस कॉलेज। अभी कौन सा ईयर में? हम जी जानते हैं, रांची से ही हम भी। अच्छा, ऐसा थोड़ी है नहीं जानेंगे। अच्छा वैसे मतलब पार्क में स्पेशल ऐसे घूमने आए हो आप या फिर किसी का वेट कर रहे हो? कोई आ रहा है? हम किसी का वेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपसे ना मुझे एक हेल्प चाहिए था। आप मेरे बारे में नहीं जानोगे कि मैं क्या करता हूँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप यादव है। अच्छा, और हम क्या कर स्टडी ही करते हैं वैसे, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया अभी फिलहाल। अच्छा, तो मुझे आपसे ना एक हेल्प चाहिए था। क्या चाहिए आप था? करोगे? अगर होने वाला रहेगा तो कर देंगे, नहीं होने रहेगा तो नहीं करेंगे। नहीं हो जाएगा वैसे। क्या मतलब जो मैं बोलूँगा वो हो जाएगा अगर आप चाहो तो, आप नहीं चाहोगे तो नहीं हो सकता वैसे। हाँ तो बोलिए आप क्या आपको करना है। मतलब मुझे ना पता है क्या करना है, बचपन से ना अभी तक मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया है, पर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी यार आज तक। तो आप मतलब, नहीं हम गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते। नहीं गर्लफ्रेंड नहीं बनो तो ट्रिक बता सकते हो ना कि मतलब गर्लफ्रेंड बनाने का ट्रिक क्या होता है वैसे? हम कभी किसी का गर्लफ्रेंड बने ही नहीं है तो कैसे ट्रिक बता सकते हैं। ओ सही जगह पे भेजो भगवान आप तो। कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना आज तक आपका? नहीं, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी आज तक। पर आप मेरे पास आके क्यों बोल रहे हैं? नहीं मतलब आपका भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो वैसे तो मतलब मैं अच्छा जगह पे आया हूँ ये बोल रहा हूँ मैं आपको, मतलब कि आपका भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो हम लोग का बात बन सकता है वैसे अगर हम लोग एक दूसरे पे इंटरेस्टेड हों तो। क्यों नहीं बनाना है वैसे? बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं है। क्यों नहीं बनाना है? मतलब कुछ वैसा होगा ना, प्रॉब्लम होता है क्या ऐसे रिलेशनशिप में आके? ऐसा कुछ नहीं, बस हमको नहीं बनाना है तो। मतलब स्टडीज वगैरह करना है, अभी स्टडी पे फोकस करना है। तो मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा स्टडी करने में, आपके पास जब टाइम होगा तभी मैं आपसे बात करूँगा, या फिर जब आपके पास आप पूरा फ्री रहोगे तभी मैं मिलने आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा। नहीं हमको नहीं मिलना है और आपसे हमको दोबारा नहीं मिलना है। आपको हेल्प बस यही चाहिए था ना? नहीं अब मेरे से दोबारा नहीं मिला मतलब मैं इतना बुरा हूँ क्या? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, पर हमको नहीं मिलना है आपसे। नहीं मतलब रीज़न बता दो ना आप क्यों नहीं मिलना है मेरे से। बस हमको नहीं मिलना है तो बस।
मतलब कौन से इंसान से आप मिलते हो, मतलब कि कोई इंसान से नहीं मिलते हैं, हमको लड़का में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो लड़के में इंटरेस्ट है क्या आपको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लड़की में इंटरेस्ट तो बात नहीं है, बस मेरा पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रहता है, ये सब। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आपको कभी स्टडी करने पर डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जब आप फ्री रहोगे ना। ऐसे भी इंसान ऐसा थोड़ी है 24/7 स्टडी ही करते रहेगा, इंसान बोर हो जाएगा फिर स्टडी से, उसका तो मन ही भर जाएगा। मेरा मन नहीं भरता स्टडी से। नहीं यार, मैं आपको ना कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा पढ़ने से, या फिर मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा कि आप घूमने आ जाओ ऐसे, मतलब स्टडीज वगैरह छोड़ के। आप जब फ्री रहोगे तभी आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वैसे भी देखो मैं ना आपको बता रहा हूँ, वैसे आपका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड बना नहीं है, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं है अभी तक, हम लोग दोनों सिंगल हैं। तो अब मिंगल हो सकते हैं वैसे अगर चाहें। नहीं, हमको नहीं मिंगल होना है। आप तो वैसे आपका नाम भी बहुत प्यारा है, लवली नाम है आपका, आप खूबसूरत दिखते भी हो। मेरा नाम प्रदीप है और मैं कैसा दिखता हूँ आप तो आपके सामने हूँ मैं। ठीक है, मुझे नहीं बनाना है बॉयफ्रेंड, तो नहीं बनाना है। मतलब क्या आप मतलब बॉयफ्रेंड किसको बनाओगे, मतलब आप अपने होने वाले बॉयफ्रेंड पर क्या देखना पसंद करोगे? कुछ भी नहीं, हमको बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं है, तो देखना क्या पसंद करना है। मतलब आप अपना लाइफ में कभी बॉयफ्रेंड बनाओगे नहीं, डायरेक्ट शादी? कब? अब वो थोड़ी ना, वो तो मेरे पेरेंट्स मेरे से ही कर लो डायरेक्ट। नहीं, हमको शादी वादी आपसे थोड़ी ना करना है। क्यों नहीं करना है? हमको नहीं करना है, अब शादी का बात। देखो मैं ना कमाता भी अच्छा हूँ, मैं दिखता भी अच्छा हूँ, मैं मेरा नाम भी अच्छा है, मैं अच्छा फैमिली बैकग्राउंड से भी हूँ, तो हम क्या करें? तो आपको मतलब आप अगर जिस लड़का से शादी करते हो तो यही सब देखोगे ना यार, उसको उसके मतलब कि क्या हुआ कि आप मेरे साथ क्यों? अच्छा, किसी और लड़का से शादी करोगे या मेरे से करोगे? करना तो है ही आपको, पर मेरे साथ क्यों? एक बार देख लो, मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा आपको दोबारा। हमको नहीं, हमको आपसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं। आप अपने मम्मी का नंबर दो, मैं बात करता हूँ। नहीं, हम क्यों दे अपने मम्मी का नंबर? बात करेंगे ना कि मम्मी आपकी बेटी ना मुझे पसंद आ गई है, तो ऐसा हम थोड़ी ना अभी बोल रहे हैं कि आप मुझे पसंद आ गए हो चाहे नहीं। अब मतलब क्या और ज़्यादा बात करें जो मतलब मेरे बारे में और कुछ जानना पसंद करोगे? नहीं, हमको आपके बारे में कुछ भी नहीं जानना है यार। कैसे करूँ मैं आपको जो आप मेरे से बात करोगे? बस हमको नहीं जानना है तो नहीं। क्यों नहीं जानना है, रीज़न बता दो ना आप मेरे को। कोई रीज़न नहीं है, बस हमको नहीं जानना है तो। मतलब आप इतना खूबसूरत हो इसलिए ऐसे कर रहे हो क्या? हम खूबसूरत बोले हैं खुद को कि हम बहुत खूबसूरत हैं? नहीं, आप हो मेरे को लग रहा है वैसे। अब मेरे को पता है मेरा शक्ल सूरत अच्छा नहीं, इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती है मेरी। पर फ्रेंड तो बन सकते हो ना? नहीं, हमको बनाना ही नहीं है। क्या ही बन सकते हो, मैं चला जाऊँ यहाँ से? सोच लो एक बार, मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा, एक बार निकल गया ना हाथ से तो दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी मम्मी बोलती है ना कि मेरा बेटा इतना खूबसूरत है ना। अच्छा, हाँ, तो इसलिए सोच लो आप। तो यहाँ इतनी सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़की आई, आप जाकर उनसे बात कीजिए। आपके जितना नहीं ना कोई, आप बहुत खूबसूरत है यार, कसम से। पक्का नहीं बनेगा आप मेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, पक्का नहीं बनेंगे हम आपकी गर्लफ्रेंड। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे ना मतलब ना मैं आपके साथ प्रैंक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं, उधर कैमरा लगा हुआ है मेरा। हाय। ये वीडियो से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक यार, मतलब फ्रेंड तो नॉर्मल बन ही सकते हो आप। अब तो प्रैंक कर रहा हूँ, फ्रेंड बनोगे आप मेरी? हाँ ठीक है, अब फ्रेंड बन जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। ये वीडियो से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? ये वीडियो अपलोड कर सकता है यूट्यूब पे? इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इधर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं इंस्टाग्राम का आईडी। थैंक यू सो मच दोस्तों।